नमस्ते सभी को। नमस्ते कुमार भैया। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। तो कल हम लोगों ने लेक्चर वन पे बात शुरू की थी। उसके पहले हम लोगों ने कोर्स के गोल को देखा था कि गोल क्या है इस पूरे कोर्स का। तो तीन बातें ध्यान में आई थी कि एक तो ये बात हमें समझ में आ जाए कि मानव के होने में मैं केंद्र में हूँ। इस पर हम लोग विस्तार से पूरे कोर्स में बात करते रहेंगे। दूसरा ये हमको दिख जाए कि अस्तित्व सहअस्तित्व पूर्वक है, अस्तित्व के होने में सहअस्तित्व केंद्र में है। और तीसरा गोल ये है कि इस स्पष्टता के साथ हमें अपना आचरण समझ में आ जाए, मेरी भागीदारी क्या है ये हमको समझ में आ जाए। ये तीन लक्ष्य है जिस पर हमने कल बात किया था। उसके साथ हमने लेक्चर वन पे डिस्कशन शुरू किया था जिसमें हम कोर्स का एक ओवरव्यू ले रहे हैं। अगर कोई प्रश्न हो तो अभी आप हैंड रेज कर सकते हैं। मदन जी क्वेश्चंस ये है कि जो हमारा यूएचवी का जो हमारा थॉट है वो ये है कि हम स्टूडेंट्स को या अपने आप को जो ऐसे एक्सप्लोर करें या वो समझे अपने आप को कि मैं क्या हूँ और मतलब मेरा बॉडी के साथ क्या रिलेशन है और मेरा सोसाइटी के साथ और एनवायरनमेंट के साथ किस प्रकार का कनेक्शन है। ठीक है सर। जी अब यहीं पर मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो स्टूडेंट्स को, मैं स्टूडेंट्स के ऊपर लेकर आऊंगा कि केवल स्टूडेंट्स को हम लोग खाली थॉट्स ना दे, उनको विचार ही ना दे, बल्कि उनको उनको किसी ऐसी चीज के साथ मतलब जोड़े, कैंपेन के साथ जोड़े। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि उसको एनवायरमेंट के प्रति हारमोनी क्रिएट करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्री प्लांटेशन करते हैं, मतलब एक्टिविटीज वगैरह उनको करवा के उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं बच्चों को, तो वो इंटरेस्टेड हो जाता है, उसको करने लग जाता है। अब आती है ये ह्यूमन बींग्स की में हारमोनी और सोसाइटी में हारमोनी की। तो कुमार जी ये मुझे काफी डिफिकल्ट टास्क लग रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल बता दूं कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ क्लास में और कोई टॉपिक आ गया करप्शन के ऊपर और वो उसको पढ़ाने जा रहा हूं मैं, तो अब करप्शन के लिए बच्चों को हम इन्वॉल्व करें, उनको कैंपेन में ले, तो फिर पेरेंट्स बोलेंगे हमारे बच्चों को पॉलिटिक्स में नहीं भेजिए, पॉलिटिशियन भी बोलेंगे बच्चों को पॉलिटिक्स से दूर रखिए, तो ये इतनी दिक्कत है। फिर बच्चे कैसे हार्मोनी सोसाइटी में क्रिएट करेंगे, कैसे वो करप्शन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। संभव जी प्लीज इस पर हाईलाइट डाल दीजिए। जी, तो जो आपने बात रखी तो आपने विचार शब्द का प्रयोग किया, मैं उसको वहीं पे ठीक करना चाह रहा था। बट अच्छे आपके प्रश्न से वो बात खुद ही स्पष्ट हो रही है कि हम यहाँ कोई विचार नहीं दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे जो बात हो रही है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की हो रही है कि प्रस्ताव आपके सामने है, आप उसको जांचिए और जी कर देखिए। तो जब सेल्फ एक्सप्लोर करते हैं तो हम अपने आप में पहले तो वेरीफाई करते हैं कि यही हमको नेचुरल एक्सेप्टेबल है कि नहीं, ताकि हमें तो क्लैरिटी हो जाए। फिर हम उसे जी कर देखते हैं। जब जी कर देखते हैं तो हम उभय सुख उभय समृद्धि के लिए प्रयास करते हैं और फिर उसमें हम पूरे प्रस्तावना के अनुसार जी कर उसको अपने आप में भी स्पष्ट करते हैं और परस्परता में भी स्पष्ट करते हैं। तो इस पर हम लोग अभी पूरे डायग्राम को सामने रख के बात करेंगे। तो उससे जो जीने वाला भाग है ना, उसमें हम इस तरह के जितने भी इश्यूज हैं उसको भी हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, उसका समाधान दे पाते हैं। जैसे करप्शन की बात करें तो करप्शन कोर इशू नहीं है, कोर इशू समृद्धि का भाव है। अब क्या होता है कि अगर हम ये स्पष्टता ना हो कि हम समृद्ध होना चाहते हैं, हम सुविधा संपन्नता को ही लक्ष्य बनाए रखें, तो हम करप्शन से चाहे जितना भी संघर्ष करें समाज में वो जाता नहीं है, बना ही रहता है, हमारे अंदर ही बना रहता है, अगले के अंदर भी बना रहता है। क्योंकि अगर मेरे अंदर समृद्धि का भाव नहीं है तो सुविधा की आवश्यकता को मैं असीमित मानता हूँ। जब असीमित मानता हूँ तो उसको पूरा करने के लिए मैं मनुष्य का भी शोषण करता हूँ, प्रकृति का भी शोषण करता हूँ कि नहीं। वैसे ही अगर हमें प्रकृति समझ में आ जाए कि प्रकृति में परस्पर पूरकता किस प्रकार से है और कैसे मेरे सुखपूर्वक जीने में वो भागीदार है, तो मैं वैसा ही प्रयास करता हूँ अपने जीने में। और फिर ये जो भागीदारी है ये तो पूरी मानवीय परंपरा तक जाती है। तो जो करने का काम हो ये है कि इस कोर्स में जो कंटेंट रखा जा रहा है उसको हम इस विधि से रखें कि जो प्रस्ताव है बच्चों को ठीक से स्पष्ट हो पाए, बच्चे उसको जांच पाए और जी कर देखने के लिए हम अवसर बना पाए। फिर तो बहुत सारा स्कोप है ही, सोशली रेलिवेंट प्रोजेक्ट दे सकते हैं, टेक्निकल प्रोजेक्ट दे सकते हैं, है ना, आउटरीच के बहुत सारे कार्यक्रम बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ हम कोई विचार नहीं दे रहे, यहाँ तो हम समझने में सहयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी ऑलरेडी ऐसा बहुत सारा काम चल भी रहा है जिसमें बच्चों के साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। सही बताया कि वही है कि इस जो हम लोग जो प्रोग्राम या कोर्स कर रहे हैं उसको उसको एक कैंपेन के रूप में हम लोग कर सके ताकि उसको आगे बढ़ाए।
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ ना, ये जो कैंपेन वाला पार्ट है ना, अभी क्या होता है, अभी हमारा उत्साह बनता है कभी समझने को लेकर, तो बोलता सब ऐसा ही करें, ठीक, बट यदि हमें खुद में समझ ना हो तो हमारा उत्साह खुद कई बार गिरने लगता है कि नहीं। तो इसमें आप पाएंगे कोर इशू तो आपके स्वयं के समझने का है। आप अपने भाव में जितना सहज होते हैं, उतना विचार में सहज होते हैं, उतना व्यवहार में सहज होते हैं, फिर आपका जीना ही एक कैंपेन है, ठीक है ना। और अगर ये स्वयं में काम नहीं हुआ है और आप कैंपेन चलाते हैं, हम भी अंदर से थकते रहते हैं, दूसरों को भी थकाते रहते हैं, फिर एक समय तक बहुत सारा कुछ बाहर दिखाई देता है और भीतर में काम हुआ नहीं रहता है, सब कुछ क्रैश कर जाता है। हाँ हाँ अपने को मजबूत करके, हाँ तभी दूसरे को मजबूत किया जा सकता है, सही कहा। जी जी मजबूत करने की बात नहीं है, परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बात और स्पष्ट होगी आपको। जी ठीक 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 बढ़िया बढ़िया भैया, धन्यवाद जी। तो कोर्स को ऑब्जेक्टिव रूप में हमने देखा था कि बच्चों में स्पष्टता हो जाए, मानव क्या है, मानव की चाहना क्या है, मानव लक्ष्य क्या है, और निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने का कार्यक्रम क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, है ना, ये सारी बातें स्पष्ट हो जाए। वैसे ही जो हार्मनी की अंडरस्टैंडिंग है, स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक विकसित हो जाए, हम स्वयं को भी समझ पाए, परिवार में व्यवस्था को समझ पाए, समाज में व्यवस्था को समझ पाए, प्रकृति में व्यवस्था को समझ पाए, पूरे अस्तित्व की व्यवस्था को समझ पाए, और फिर स्टूडेंट्स को ये पूरी समझ के साथ जीने में परस्परता में उनकी भागीदारी क्या है वो बच्चे देख पाए समझ पाए। तो ये तीन लक्ष्य है इस कोर्स के रूप में देखें, ऑब्जेक्टिव के रूप में देखें। कुछ प्रश्न है आपका? जी नमस्ते भैया, मेरी आवाज साफ आ रही है? जी आ रही है। मैंने इससे पहले कुछ समय एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम भी किया है और अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ। तो जैसे अभी आप इससे पहले बात भी हो रही थी आप लोगों की, तो मैं इसी पे थोड़ा जोड़ना चाहूंगी अपनी बात कि अभी जो इस समय चल रहा है मेरे साथ कि मैं स्कॉलर हूँ तो रिसर्च को लेकर भी दबाव है, मेरी फैमिली को की तरफ से मेरी शादी को लेकर दबाव है। इससे पहले मैं जब पढ़ा रही थी तो वो पढ़ाते वक्त भी ये कहता था कि बच्चे नहीं समझना चाह रहे हैं। अब मैं वो सारी चीज़ें जोड़कर देख रही हूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि अगर मैं अपने आप में विचार करती हूँ और ये समझ पाती हूँ कि मेरा ऑब्जेक्टिव और सामने वाले का ऑब्जेक्टिव एक ही है तो समाधान ढूंढ पाती हूँ। आपकी आवाज में थोड़ी गूंज सी रही है, बहुत शब्द स्पष्ट नहीं हो रहे, थोड़ी आवाज गूंज रही है। जी भैया अभी भी ऐसा है क्या? थोड़ा सा तो है हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, फिर मैं अभी शायद संभव ना हो, मैं फिर अपने विचार बाद में रखती हूँ। ठीक ठीक। तो पूरे कोर्स की प्रक्रिया को देखें तो पूरी तरह से एक्सप्लोरेशनल है, यानी हम शुरू से ये बात कह रहे हैं कि आप मेरी बात को माने नहीं बल्कि जांचें। अगर मेरी बात ठीक लग रही है तो हो सकता है उसे मान लें, ठीक नहीं लग रही है तो हो सकता है उसे ना माने, परंतु सहमत होना या असहमत होना बात से ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो ये है कि वो बात हमको दिखने में हो जाए, समझ में आ जाए, और इसलिए आप पाएंगे कि ये यूनिवर्सली अडेप्टेबल है, क्योंकि हर व्यक्ति जाँचना चाहता है, समझना चाहता है, और यदि बात प्रस्ताव के रूप में जाती है तो दूसरा व्यक्ति उसको फिर जाँच भी पाता है और स्वीकार भी पाता है, और इसमें हम व्यक्ति से लेकर अस्तित्व तक पूरी बात करने वाले हैं, सिस्टमेटिकली पूरी बात करने वाले हैं। और जैसा कि हम लोगों ने यूएचयू 1 और यूएचयू 2 में भी कहा था कि जो भी बात है वो यूनिवर्सल हो, रैशनल हो, वेरीफाइबल हो, लीडिंग टू हारमोनी हो, उसी प्रकार से एक रैशनैलिटी के साथ पूरी बात को हम आगे ले जाने वाले हैं। और यहाँ कोई डॉगमा, कोई बिलीफ की बात नहीं है, कोई करो ना करो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए ना, कोई मॉरल स्टोरीज की बात नहीं है, स्वयं में जांचने देखने की बात है। इस प्रक्रिया से हम चलते हैं तो हम अपने आप में खोज करते हैं, अपने आप में हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, और पूरी बात को जांचते हुए जीकर देखते हुए हम समझ को इंश्योर कर पाते हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है कोई उपदेश देने की बात नहीं है ना, और अभी हम कुछ भी ऐसा नहीं कहने वाले हैं कि किसी पुस्तक में लिखा इसलिए आप मान लें, या कोई मॉरल स्टोरी सुनाने वाले हों कि इसके आधार पर आप इसी को मान लें, स्वीकार लें, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को अपने आप में जांचने की जरूरत है, जीकर देखने की जरूरत है। और
हम लोग जैसा अभी तक वर्कशॉप में भी करते रहे और जैसा एक्सपेक्टेड है कि हम क्लास में भी करें, तो एसेंशियली देखें तो एक संवाद की प्रक्रिया है। ये संवाद मेरे और आपके बीच शुरू होता है और आपके आप में अपने आप में ही एक संवाद का रूप ले लेता है। और हम सबके साथ दो वास्तविकताएं जुड़ी हुई हैं, एक जैसा मैं हूँ और दूसरा जैसा होना मुझे सहज रूप से स्वीकार है। तो जो संवाद शुरू तो होता है मेरे और आपके बीच, है ना, या जो व्यक्ति प्रस्ताव रख रहे हैं और जो प्रस्ताव को सुन रहे हैं, परंतु जैसे जैसे उस प्रस्ताव को हम जांचते हैं तो संवाद हमारे अपने आप में चले लगता है, क्योंकि हम रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं। या सुबह में जितनी बात करने वाले हैं, आप पाएंगे कि दिन भर यदि हम इस बात पे थोड़ा भी ध्यान देते हैं तो हम अपने जीने का आकलन करने लगते हैं। हम खुद से अपने आप से पूछने लगते हैं कि क्या ये मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, चाहे घर की बात हो, ऑफिस की बात हो, अड़ोस पड़ोस की बात हो, समाज की बात हो, हम अपने आप से पूछने लगते हैं। तो जैसा भैया भी कह रहे थे मदन जी, तो अगर हम करप्शन को लेकर देखें, है ना, तो हमारे अंदर बहुत सारे विचार चलते हैं, परंतु यदि हम अपने आप से कुछ मौलिक प्रश्न कर लें कि मुझे सहज रूप से स्वीकार क्या है, समृद्ध होना या करप्ट होना, उसका उत्तर मिल जाता है समृद्ध होना कि नहीं, अब ये संवाद अपने आप में चलने लगता है। और यही होने का काम है। इनफैक्ट आप पाएंगे जितना जितना ये संवाद हमारे अंदर बढ़ता है, उतना उतना जैसा मैं हूँ और जैसा मैं वास्तव में होना चाहता हूँ, जैसी मेरी सहज स्वीकृति है, इनमें एक रूपता होने लगती है। यानी मेरा होना, मेरा जीना मेरे चाहने का रूप हो जाता है। जितने दिनों तक या जितने समय तक ये संवाद बाधित रहता है, उतना इसमें भेद बना ही रहता है, और वही भेद हमारा दुख है। ये बात ठीक है कहना? तो क्या लगता है, जैसे ये जो आपने अभी तक वर्कशॉप किए, उससे आपके अंदर ये संवाद शुरू हो पाया है कि नहीं, जैसा आप हैं और जैसा होना आपको सहज रूप से स्वीकार है, इसके बीच में संवाद शुरू हो पाया है कि नहीं? इससे ये भी होता है कि जितना जितना हम अपने आप में जांचने का काम करते हैं, तो जो पहले से हमारे अंदर कुछ मान्यताएं बनी हुई हैं, कुछ विचार बने हुए हैं, उनका भी आकलन शुरू हो जाता है। तो इसलिए तीन शब्द कहा, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ इवैल्यूएशन। तो हमारे अंदर बहुत सारी मान्यताएं बनी हुई हैं, मानव के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, गहरी गहरी मान्यताएं हो सकती हैं, और आप पाएंगे कि यही हमारे संस्कार का रूप ले लेते हैं, हमारी मान्यताएं, और आदमी इन्हीं से अगर जांच परख ना करे तो पूरी उम्र संघर्ष करता रहता है, और मान्यताओं से, अपने संस्कारों से ही संघर्ष करते रहते हैं। तो हम इसके आधार पर पाएंगे कि हम ताए हैं उनका हम ठीक ठीक आकलन कर पाते हैं, जो हमारे बिलीफ्स हैं, जो हमारे अजम्पशंस हैं, उसका हम ठीक ठीक आकलन कर पाते हैं। तो जो समझ की प्रक्रिया है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है। जो भी बात कही जा रही है प्रस्ताव के रूप में, और इसे सही या गलत मानने शुरू करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप में जांचने की जरूरत है। जी, तो इसमें एक एसेंशियल पार्ट तो ये है कि हम प्रस्ताव को ठीक सुन पाए, जैसा कहा जा रहा है वैसा सुन पाए, है ना। तो कई बार ये होता है कि शब्द तो वही होते हैं और जो बात कही जा रही है हमको लगता है हमने पहले सुनी हुई है, वही बात है। जैसे अभी एक वर्कशॉप हो रहा था, उसमें एक साथी कह रहे थे कि मैं सुखी नहीं होना चाहती, बल्कि सुख में सुखी ना हो, दुख में दुखी ना हो, ऐसा चाहती। और उसमें काफी देर तक बात करने से यह स्पष्ट हुआ कि वो जिसे सुख कह रही है और हम जिसे सुख कह रहे हैं, वो दो अलग अलग शब्द ही हैं, अलग अलग मुद्दे ही हैं। शब्द देखने में एक जैसा है सुख, बट हम सुख कह रहे हैं हारमोनी को, वो सुख जो बाहर से मिलने वाला प्रभाव है उसको कह रही है। तो एक बहुत एसेंशियल पार्ट तो ये है इस पूरे कार्यक्रम में कि प्रस्ताव को जैसा है वैसा हम सुन पाए, ये लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दो शब्द हैं, हियरिंग एंड लिसनिंग, जिसको कई बार हिंदी में कहते हैं ना, कान से सुनना और ध्यान से सुनना। तो हियरिंग तो कई बार हम कर लेते हैं क्योंकि वही शब्द हमारे कानों में पड़ रहा है, बट कई बार लिसनिंग ड्यू रह जाता है, शेष रह जाता है। तो इस पूरे सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया में प्रस्ताव को जैसा वैसा सुनना ये एक एसेंशियल पार्ट है। ठीक, ध्यान कम से कम ये तो हमको पता चले कहा क्या जा रहा है। जैसे आप कई बार देखिए ना, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक, तो बात किसी मुद्दे पर शुरू होता है, फिर दोनों लोग उस मुद्दे पर अपना अपना विचार रखना शुरू करते हैं। आप थोड़ी देर बाद पाएंगे कि कोई एक दूसरे को सुन नहीं रहा, सब अपनी बात ही कह रहे हैं।
तो कई बार ऐसा भी हो जाता है ना, तो ये जो प्रस्ताव को सुनना है ये एक एसेंशियल पार्ट है इस पूरे सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। आप कई बार ये भी पाएंगे कि जब हमारे सामने कोई प्रस्ताव आ रहा होता है ना, तो हमारा ध्यान उस प्रस्ताव में जो वस्तु रखी जा रही उस पर न जाकर कई बार और सारे मुद्दों पर जाता है, जैसे ये बात किस विधि से रखी जा रही है, किस प्रकार से रखी जा रही है, रखने वाला व्यक्ति कैसे रख रहा है ना, या उससे जुड़ा कोई प्रसंग आ गया और हम टेक ऑफ कर जाते हैं, संबंध एक शब्द आया, परिवार एक शब्द आया और हम टेक ऑफ कर जाते हैं, और हमें परिवार में कोई घटी घटना याद आ गई, सामने से वस्तु आ रही है प्रस्ताव के रूप में, बट हम उस घटी घटी हुई घटना में विचरण कर रहे हैं अपनी कल्पनाशीलता में, और कुछ देर बाद हम वापस लैंड करते हैं, तब तक तो बात काफी आगे निकल चुकी होती है। ये सब सामान्य सी घटनाएं जो होती रहती है, हमेशा हर व्यक्ति के साथ होती है। क्या लगता है आपके साथ होता नहीं होता, जैसे कोई बात सामने से आ रही है हम टेक ऑफ कर जाते हैं, ऐसा हो जाता है? कोई बात सामने से आ रही है और हम उस बात को थोड़ा सुनते हैं और सुनने के बाद हमारा ध्यान कहीं चला जाता है और फिर हम काफी समय तक अपने ही विचारों में खोए रहते हैं, फिर जब वापस लैंड करते हैं तो पता चलता है कि है ना मुद्दा कुछ और चल रहा है तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो प्रस्ताव को सुनना ये एक एसेंशियल पार्ट है। दूसरा पार्ट है उसको अपने आप में जांच कर देखना। तो जब जांचने जाते हैं तो हमें स्वयं में एक आधार दिखाई देता है, सहज स्वीकृति, इस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे। तो सहज स्वीकृति और स्वीकृति ये दो अलग अलग शब्द हैं। तो सहज स्वीकृति जो हमारा एक इनेट फैकल्टी है, जो हमारा स्वत्व है, जो हमारे स्वयं में निश्चित स्थिर निरंतर बना हुआ है, स्वीकृति वो होती है जो हम जीते हुए मान लेते हैं, स्वीकार लेते हैं, हाँ भाई ऐसा है, लोग ऐसे ही हैं, दुनिया ऐसी ही है, समाज ऐसा ही है, ठीक, जिंदगी ऐसी ही है, जॉब ऐसे ही होते हैं, पति पत्नी के संबंध ऐसे ही होते हैं, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, ठीक, तो ये हमारी स्वीकृतियां बन जाती हैं। परंतु अब उसके आधार पर अगर आप ध्यान देने जाएंगे तो बात कभी स्पष्ट नहीं होगी। तो हमारी सहज स्वीकृति क्या है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको संबंध पूर्वक जीना सहज रूप से स्वीकार है या विरोध पूर्वक जीना, क्या उत्तर मिलता है? भाग्यशाली जी ने पिछले प्रश्न लिखा कि पहले ऐसा होता था, ठीक बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको संबंध पूर्वक जीना सहज रूप से स्वीकार है कि विरोध पूर्वक जीना, संबंध पूर्वक, ठीक है ना? अब आप देखें कि ये उत्तर हमें कहां से मिलता है। बड़ी दिन में आपसे पूछूं संबंध क्या है तो आप पाएंगे इसे बहुत सारी चीजें मिक्सअप होने लगती हैं। तो जब चाहने को पूछते हैं तो बहुत सटीक उत्तर मिलता है ना, पर मैं आपसे पूछूं संबंध क्या है तो हर व्यक्ति का अपना विचार यहाँ जुड़ जाता है, अपनी मान्यताएं जुड़ जाती हैं, अपनी कल्पनाशीलता का अभ्यास जुड़ जाता है ना, और उसमें हमारी बहुत सारी स्वीकृतियां शामिल हो जाती है। तो यदि हम चाहने को पूछे तो बहुत सटीक उत्तर मिलेगा, संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं, विरोध पूर्वक नहीं जीना चाहते है ना। बट ऐसा हो सकता है कि हमारे मानने में है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ विरोध तो करना ही पड़ेगा है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विरोध से ही सुधरेंगे है ना, जितना भी संबंध निर्वाह लो वो कभी सुधरेंगे नहीं, कभी बदलेंगे नहीं, ऐसा बहुत सारा हमारी कल्पनाशीलता में विचार में चल रहा होता है। बट हर बार उस क्षण में भी अपने आप से पूछें कि संबंध चाहते हैं विरोध चाहते हैं, अगर संबंध चाहते हैं तभी तो विचार कर रहे हैं उनके बारे में नहीं। तो इसको एक तो अपने आप में देखना और इसको हम लोग बात करते रहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि हम सहज स्वीकृति और स्वीकृति इसमें अंतर नहीं कर पाते, हम लौट लौट के बार बार अपनी स्वीकृतियों पर चले जाते हैं, अपने मानने पर चले जाते हैं। जो दूसरा भाग है वो है उसको जी कर देखना, ये भी एक एसेंशियल पार्ट है। कई बार क्या होता है कि हमने प्रस्ताव सुना, सहमत हुए, बात तो ठीक ही लग रही है, सहमत हो जाते हैं, उससे कई बार हम ये भी समझ मान लेते हैं कि हमने समझ लिया, अब ये हो गया है, हमने बात को सुन ली, हमको बात ठीक लग रही है और हमको समझ में आ गया। बट हमको कितना समझ में आया है वो हमारे जीने में दिखाई देता है। जब जीने जाते हैं और वास्तविकता जो हमारे सामने आती है तब हम उस क्षण में क्या विचार करते हैं, हमारा भाव क्या बनता है, हम निर्वाह क्या करते हैं कि नहीं, उससे फिर तय होता है कि हमको बात समझ में आई कि नहीं आई,
तो हम जीने जाते हैं तो हम या तो मानव के साथ इंटरेक्ट करते हैं या शेष प्रकृति के साथ। तो मानव के साथ जब हम निर्वाह कर रहे हैं तो इस बात को देखते हैं कि जब मैं इनके साथ व्यवहार कर रहा हूँ सुखी होके कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या पहले से दुखी हूँ और दुख बांट रहा हूँ। इनफैक्ट एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है, इस पर भी हम लोग का कई बार ध्यान जाएगा कि मैं सुखी होकर व्यवहार कर रहा हूँ या सुखी होने के लिए व्यवहार कर रहा हूँ। तो अगर मैं सुखी होकर व्यवहार करता हूँ तो जो मेरा व्यवहार है वो दूसरे के सुख के अर्थ में ही होता है, दूसरा उसको आज देख पाए कल देख पाए। परंतु जब मैं सुखी होने के लिए व्यवहार करता हूँ तो मेरा व्यवहार दूसरे पर निर्भर होता है। मैंने कुछ कहा और दूसरे ने सहमति नहीं दी, अब मेरा व्यवहार बदल गया, मैं दुखी हो गया क्योंकि उसने मेरे बात से सहमति नहीं दी। ठीक, सहमति दे दी तो मैं एक्साइटेड हो गया, उसमें भी मेरा सुख सुनिश्चित हुआ ऐसा नहीं है। अब हमने अगले व्यक्ति का अधिमूल्यन कर लिया, ये मेरा पक्का साथी है, मेरी हर बात से सहमत होता है। और बात क्या हो रही है, अरे दुनिया में 99.99% लोग चोर हैं, कोई ईमानदार नहीं है, अगले व्यक्ति ने सहमति दे दी। ठीक और हमने मान लिया कि हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल जिगरी दोस्त है मेरा, ये तो देखो कितनी आसानी से मान लेता है मेरी बात को। बट इसमें म्यूचुअल हैप्पीनेस हुआ कि नहीं हुआ, अगर देखें, अगर हम मान लें कि दुनिया के सारे लोग भ्रष्ट हैं, है ना, करप्ट हैं, है ना, या यूक हैं, चोर हैं, इसको विचार करने से भी हम सुखी हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। अभी ऐसी हम लोग बातें करते रहते हैं। अभी आप देखिए हम दिन भर में जो व्यवहार करते हैं उसमें हमारा क्या कंटेंट रहता है। ज्यादातर समय हम समस्याओं को लेकर बात करते हैं और समस्याओं में भी हम उन व्यक्तियों को चुन लेते हैं जो हमारी बातों से सहमत होते हैं। ऐसा करते नहीं करते हैं, दिन में खाली समय है, हम चारों इकट्ठे हो गए, बात करने लगे आपस में बैठकर, तो उनके साथ हमारा ग्रुप बन जाता है जो हमारी बातों से सहमत होते हैं। और हम बात क्या कह रहे हैं, जो समस्याएं हैं उनको गिना रहे हैं, और ये भी साथ में कह रहे हैं कोई समाधान नहीं है कि नहीं कोई समाधान नहीं है। ठीक है ना, अब उससे हम भी डिप्रेस हो गए, अगला भी डिप्रेस हो गया। तो हम इसको जब जी का देखते हैं तो इस बात को देखते हैं कि इस व्यवहार से मैं सुखी हुआ कि नहीं, है ना, दूसरा सुखी हुआ कि नहीं, मैंने सुखी होकर व्यवहार किया या सुखी होने के लिए व्यवहार किया। तो उसमें अगर सुखी होकर व्यवहार कर रहे हैं तो अगला व्यक्ति सुखी होगा ही जब भी वो जांचेगा उस बात को। और सुख का मतलब सही समझ सही भाव, ठीक है ना। तो हम जब प्रस्ताव को जी का देखते हैं तो उन सब बातों को हम अपने आप में आकलन करते रहते हैं, और यही करने का काम है। देखेंगे इसमें बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। जितना जितना हम इसको बारीकी से जांचेंगे ना, हमको अपने द्वारा किए गए गलतियां और स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ठीक, जैसे किसी ने कहा कि भाई जरा एक गिलास पानी ला दो, और हम बैठे हुए हैं, हमारे मुंह से निकला हूं। ठीक, अब वो बात, वो शब्द हमको नहीं सुनाई पड़ा, अगले को तो सुनाई पड़ गया। ठीक, अब हो सकता है हमारी स्वीकृति नहीं है कि मैं जाऊं एक गिलास पानी लाऊं अगले व्यक्ति के लिए, नहीं, बट हम लाते भी हैं। और फिर हमारे अंदर कल्पनाशीलता में कुछ चल रहा होता है, हमारा व्यवहार हो चुका है, हमें पता भी नहीं है। अगले व्यक्ति तक हमारा व्यवहार पहुंच चुका है, हमें पता भी नहीं। अब इन सब चीजों को बारीकी से देखेंगे ना तो बहुत सारी चीजें अपने को ध्यान में आएंगी। हम जो शरीर से जो निर्वाह कर रहे हैं, हम जो शब्द बोल रहे हैं, ठीक, हम व्यवहार तो कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है, उन सब मुद्दों को जांचेंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि जब मैं इस प्रस्ताव के आधार पर जीने जाता हूँ तो उसे म्यूचुअल हैप्पीनेस होता है कि नहीं। वैसे ही हम जो कार्य कर रहे हैं, है ना, हम घर में जिन वस्तुओं का रखरखाव कर रहे हैं, जो अपने शरीर के भरण पोषण के लिए जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, जिस विधि से उसको घर में ला रहे हैं, तो उसमें प्रकृति पहले से बेहतर हो रही है या नष्ट हो रही है? ठीक, भोजन कोई लें, हम जिस प्रकार से भोजन अपने घर में ला रहे हैं उससे प्रकृति छीन हो रही है, दरिद्र हो रही है, या पहले से बेहतर हो रही है, समृद्ध हो रही है, पुष्ट हो रही है? इन सब चीजों को जांचने की, इन सब चीजों को जीकर देखने की जरूरत है। ये भी देखेंगे, इससे हमारा अवेयरनेस और बढ़ेगा, तो उभय समृद्धि हो रही कि नहीं, हम प्रकृति का कितना संवर्धन कर रहे हैं, कितना क्षरण कर रहे हैं।
तो हम अभी हवा को कितना प्रदूषित कर रहे हैं और कितना शुद्ध करने का काम कर रहे हैं। ठीक, पेड़ से जो हमें कुछ मिल रहा है उसका हम कितना प्रयोग कर रहे हैं, हम कितने पेड़ लगा रहे हैं, इन सब मुद्दों को हम जी कर देख सकते हैं। तो जब भी बात हो रही थी कि बच्चों को भी इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षण कराया जाए, बिल्कुल जब जी कर देखने की बात होगी तो पूरा आयाम खुलता है जीने का, मानव के साथ भी शेष प्रकृति के साथ भी। तो हम इन दोनों आधारों पर जांचते हैं, इसको वैलिडेट करते हैं, प्रमाणित करते हैं, और अगर दोनों ही तरह से बात पूरी पड़ती है तो बात ठीक है। अगर हमको स्वयं में भी सहज से स्वीकार हो रहा है, जीने में भी फलित हो रहा है, तो हम कोई अन्यथा विचार ही क्यों करेंगे। यानी कि वो हमारे समझ का हिस्सा हो गया, अब हमको कोई उस पर शंका नहीं रही, कोई उस पर दूसरा विचार नहीं रहा, कोई द्वंद्व नहीं रहा, कोई अंतर विरोध नहीं रहा, उसको कहा समझ। जब तक समझे नहीं है तब तक हमारे अंदर उसके विकल्प बने रहते हैं कि ये भी ठीक हो सकता है, वो भी ठीक हो सकता है। तो अगले के साथ संबंध पूर्वक जी लो जितना जी सकते हैं, नहीं तो विरोध तो है ही अपने पास कि नहीं। अगले का जितना पोषण करना है कर ले, नहीं तो शोषण तो किया ही जा सकता है। यानी हमारे पास जब तक वो विकल्प बना हुआ है तब तक हमने समझा नहीं है। अभी तक की पूरी बात से किन्हीं का कोई प्रश्न बना हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। हेलो जी, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है सर। एक्चुअली मैं अभी नया जुड़ा हूँ, एक ही वर्कशॉप अटेंड की थी, तो अभी स्थिति ऐसी बन रही है कि कभी तो याद रह जाता है कि हमें सुखपूर्वक जीने के लिए हारमोनी में जीना है, और फिर अचानक से भूल जाते हैं व्यवहार में, जैसे ही किसी से रिएक्ट करते हैं तो कभी गुस्सा भी आ जाता है और चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, तो वापस फिर इस स्थिति को पा लेते हैं। तो ये सब चल रहा है अभी, तो इसका क्या उपाय हो सकता है कि हारमोनी में परमानेंट अपन प्राप्त कर सके हारमोनी को? जी, उसी के उपाय के लिए तो हम लोग जुड़े हैं अभी। तो ये जांच प्रक्रिया जितना पुष्ट होगी अपने अंदर, उतना ये जो जीने में चूक हो रही है, भाव में चूक हो रहा है, विचार में चूक हो रहा है, उससे हम बाहर निकल पाएंगे, हमारे भाव निश्चित हो पाएंगे, सहज रूप से स्वीकार हो पाएंगे। तो उसी क्रम में, तो इसके लिए जो सुबह का सत्र कर रहे हैं हम लोग, इसको भी आप अटेंड करें। जो वीकली मीटिंग्स होती हैं उसमें भी आप आए बहुत अच्छा रहेगा, उसमें भी कुछ कंटेंट हमें सुनने को मिलता है और कई सारे साथियों का रिफ्लेक्शन सुनने को मिलता है, प्लस जो देश भर में प्रयास हो रहे हैं है ना, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो आपको अपनी भागीदारी के नए नए आयाम दिखाई देते हैं कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो स्वयं में जांचते हुए ये जी कर देखने वाला जो भाग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जी कर देखते हुए भागीदारी करना ये एक एसेंशियल पार्ट है। तो अच्छी बात है कि आप सुबह में जुड़े हुए हैं, आप इसको नियमित रूप से अटेंड करें। नमस्ते भैया, आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि हम कहीं बात करते करते कल्पनाशीलता में कहीं और पहुंच जाते हैं। बिल्कुल कल ही मैंने ये अनुभव किया, तो आपकी बात सुनते सुनते मुझे लग रहा था कि हाँ बात तो सही है कि हम विचार किसी और बात पे कर रहे हैं और फिर बात करते करते कहीं और पहुंच जाते हैं। तो भैया क्या मतलब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम ऐसे विचार में कहीं और ना पहुंच जाएं, अपनी कल्पनाशीलता को हम कंट्रोल कर सकें, या मतलब क्या ये सही होगा कि हम उसे कंट्रोल करें? कंट्रोल करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, इनफैक्ट आप देखेंगे तो पाएंगे कि हमारा विचार वहीं जाता है जहां या तो हमें सुख लगता है या जहां हम दुख से निकलना चाहते हैं। जी जी, ऐसे कोई समस्या बनी हुई है, हमारा बार बार उस पर ध्यान जा रहा है, वहां कोई दुख है जो हमारा बना हुआ है, हम उसे निकलना चाहते हैं, या कहीं पे हमको सुख लग रहा है वहां पहुंचना चाहते हैं, इन दो ही जगहों पे ध्यान जाता है। जी, तो हमको जी, जब ये दिखने लगता है कि समझ से सुख है तो समझ पे ध्यान जाता है, और ये भी हमको दिख सकता है कि मुख्य मुद्दा दुख से मुक्ति का नहीं है, मुख्य मुद्दा तो निरंतर सुखपूर्वक जीने का है, तो जो निरंतर सुख का स्रोत है उस पर ध्यान देंगे, वही ध्यान जाता है हमारा। तो इसको आप चलने दें है ना, क्योंकि बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल करने का या बाधित करने का कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि मुद्दा तो सहज होने का है। तभी ध्यान जहां भी जा रहा है उसको देख लें, और हम लोग इसको अभ्यास भी करेंगे कि अभ्यास एक में आप देखेंगे कि हम जब अपने भाव पे ध्यान देने जाते हैं तो कई जगह हमारा विचार भागता है, इधर से वहां, वहां से यहाँ, उसको बस सजग होकर देख लें कि हाँ यहाँ जा रहा है,
और हमको अगर प्रस्ताव ध्यान में है, हमको खुद ही रिफ्लेक्ट होता है कि यहाँ पे तो समाधान है नहीं, जहाँ समाधान है उस पर ध्यान दें, तो कंट्रोल करने का बिल्कुल मुद्दा नहीं है जी, बस सहज हो जाए, सजग हो जाए, इतना ही है। बहुत सी चीजें भैया मैं देख पा रही हूँ, 2-30 तारीख से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो डेली जो भी होता है उस चीज को मैं रिलेट कर पाती हूँ। तो अभी अभी आपसे बात करते करते फिर कल जो हुआ उससे मैं इसको बड़ा तुरंत मेरे मन में आया कि हाँ ऐसा कल हुआ कि बात कुछ और हो रही थी और मेरा ध्यान कहीं और चला गया, तो जब मैं वापिस आई तो बात आगे बढ़ चुकी थी, तो मैं उसमें अपना कोई योगदान नहीं दे पाई। कोई बात नहीं, तो ये तो एक तरह से देखिए अच्छी बात यह है कि अब आप जब टेक ऑफ करेंगे तो आपको होश हो जाएगा कि देखो मैं टेक ऑफ कर गई। पहले होश भी नहीं था, हम पूरा रोम करते थे, है ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। अब जैसे ही आपको पता लगेगा ना कि टेक ऑफ कर चुके हैं, आप वापस लैंड कर जाएंगे। जी भैया जी, थैंक यू भैया, बढ़िया दीदी। नमस्ते भैया, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में रोल के बारे में समझा कि हमारा हार्मनी में रहना हमारा रोल है, और एस्पिरेशन के बारे में समझा, तो जो मोस्टली डिस्कस किया जाता है पर्पस, तो पर्पस का इनसे क्या रिलेशन है, या वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन बीइंग का? ये सबका सेम पर्पस होता है या स्पेसिफिकली डिफरेंट होता है एज पर डिफरेंट इंडिविजुअल्स? जो बात कही जा रही है वो ये है कि सबका नेचुरल एक्सेप्टेंस सेम है ना जी, हाँ। परंतु डिजायर्स में वेरिएशन हो सकता है, तो अब हम किस स्तर पे गोल को या पर्पस को रिलेट कर रहे हैं, तो अगर हम गोल या पर्पस को नेचुरल एक्सेप्टेंस के इक्विवेलेंट रखें तो सबका सेम है, परंतु जब हम उसके आधार पर डिजायर्स को देखते हैं, जो इच्छाएं हैं हमारी, तो उस बेसिक एस्पिरेशन को उस नेचुरल एक्सेप्टेंस के अनुसार जीने के लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार से इच्छाएं रखते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से योजनाएं कार्यक्रम बनाते हैं। तो मूल इच्छा तो हम सबकी सेम है, जो हमारी सहज स्वीकृति है, परंतु जो उसके आधार पर इच्छाएं हम रखते हैं अपने आप में, उसमें वेरिएशन हो सकता है। उसमें भी देखने की बात यह है कि उसमें हारमोनी है कि नहीं, तो अगर हारमोनी नहीं है तो समस्या है, हारमोनी है तो अच्छी बात है। तो गोल पर्पज, अभी ये जो दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो तो हम नेचुरल एक्सेप्टेंस के लिए प्रयोग कर रहे हैं, सहज स्वीकृति के लिए, जो यूनिवर्सल हो सकता है। okay. बट डिजायर्स में वेरिएशन हो सकता है, जैसे आप जहाँ रह रही है ना, वहाँ आपका अपना एक जीने का पूरा एक तरीका है, तो अभी सेशन के बाद है ना आपको बहुत सारे कार्यक्रम करने होंगे, बहुत सारे आपके पास टारगेट्स होंगे, तो उसको पूरा करने जाएंगे तो उसके आधार पर आपके अंदर इच्छाएं होंगी, अभी ऐसा करना है, कल ऐसा करना है, तो उसमें तो वेरिएशन हो सकता है। मतलब तो क्यों कर रहे हैं अगर पूछे तो सुखी होने के लिए, तो वहाँ एक रूपता है। मतलब कि जो हमारी एस्पिरेशन है वो यूनिवर्सल है, बट जो हम उसके स्पेसिफिकली अपने अपने एरियाज में या अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जैसे हम मोस्टली सुनते हैं ना कि अपने पैशन को फॉलो करो, तो मतलब हम जो स्किल्स के अकॉर्डिंग या अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसको हम गोल या पैशन के फॉर्म में बोलेंगे। अब ये पैशन एक अलग बात हो गई है ना, तो ये तो देखना होगा कि पैशन जो है वो हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर है कि नहीं। तो कई बार पैशन शब्द जिसको हम प्रयोग करते हैं ना, वो तो एक शॉर्ट टर्म मोटिवेशन के रूप में काम करता है, जो बदलता हो सकता है। तो बचपन में कुछ और पैशन था, जैसे हमने किसी को गाना गाते सुन लिया, हमारा पैशन हो गया कि हमें भी गीत ये बनना है, सिंगर बनना है। किसी को हमने फुटबॉल खेलते हुए देख लिया तो पैशन बन गया कि हमें फुटबॉल में आगे जाना है। हमने सुन लिया कि भाई कोई पढ़ाई लिखाई करके विदेश चला गया, तुम्हारा पैशन बन गया कि हमें भी स्कॉलरशिप लेके विदेश जाना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसको अभी हम पैशन कह रहे हैं उसको हमने समझा नहीं है, जांचा नहीं है, ठीक, और हमने बहुत सारी इच्छाएं बना ली हैं। तो पैशन को परस्यू करना है ऐसा प्रस्ताव नहीं है ना, बल्कि उस पैशन को ठीक से हम जांच लें कि पैशन हमको सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। हमको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, अगर ये पैशन बन गया तो मेरा दुखी होना निश्चित है। अगर क्लास का टॉपर बनना है, ये पैशन बन गया तो दुखी होना निश्चित है। तो पैशन अभी किसको कह रहे हैं उसको हम इवैल्यूएट करेंगे, जांचेंगे, मूल्यांकन करेंगे उसका।
आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं? यस सर। अच्छा, तो आप इंडस्ट्री में हैं या एकेडमिया में? नो सर, कॉर्पोरेट एमएनसी में। अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी हम बहुत सारे जो पैशन बना लेते हैं ना, कई बार हम उसका मूल्यांकन भी नहीं किए हुए रहते हैं जी, और मतलब हम दूसरे टर्म्स को रिलेट कर देते हैं बिना समझे। हाँ, ये जो सहज स्वीकृति है, अभी आपने जो एक मुद्दा पॉइंट उठाया वो स्वीकृति और सहज स्वीकृति, यहाँ जो स्वीकृति मैं समझ नहीं पाता, सहज स्वीकृति में मतलब मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ उसको धीरे धीरे, क्योंकि मेरे लिए बड़ा है। तो मतलब ऐसे आप जो एग्जाम्पल लगते हैं उससे समझ में तो आ जाता है हाँ सहज स्वीकृति ये है, लेकिन जब हम अपने वेरीफाई, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे होते हैं और सहज स्वीकृति को जानना ये मतलब बड़ा इम्पोर्टेंट लगता है कि सहज स्वीकृति सारे मुद्दों में कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे। तो जब भी आपने सहज स्वीकृति और सहज स्वीकृति की बात की, तो स्वीकृति जब हम किसी चीज को जब जांचते हैं उसको, उसी को फिर हम स्वीकृति देते हैं, तो वो प्रक्रिया सहज स्वीकृति या स्वीकृति अलग अलग है उस केस में या एक ही वो है मतलब? और स्वीकृति आप किसको कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे अंदर सहज स्वीकृति बनी हुई है और बहुत सारी स्वीकृतियां भी बनी हुई है जी। तो स्वीकृतियां उनको कह रहे हैं जिसको मानकर हम जी रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, मतलब जिनको हम वैलिडेट कर ले जा रहे हैं वो स्वीकृति अब सही स्वीकृति में परिवर्तित हो गई, इसका मतलब? नहीं, उसको और ठीक कर लेते हैं। अच्छा, तो सही स्वीकृति पहले से ही बनी हुई है। अब जब मैं सही स्वीकृति पे ध्यान देता हूँ तो मैं जो भी मान कर बैठा हूँ उसको मैं जांचता हूँ। ठीक, अगर पहले से ठीक है तो स्वीकृति बनी रहती है, अगर ठीक नहीं है तो मूल्यांकित हो जाती है, परिमार्जित हो जाती है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो मतलब इसका मतलब यह है कि वो जो स्वीकृति है वो सहज हो सकती है और नहीं भी हो सकती, बस मूल्यांकन हमें करना है। हाँ जी, ना? और सहज स्वीकृति को देखना हो तो हम अपने चाहने को देखते हैं, जैसे मैं सुखी होना चाहता हूँ कि नहीं, मैं संबंध पूर्वक जीना चाहता हूँ कि नहीं, मैं शरीर का पोषण करना चाहता हूँ या शोषण करना चाहता हूँ, मैं अगले व्यक्ति का पोषण करना चाहता हूँ या शोषण करना चाहता हूँ, ये सारे प्रश्न जो है ना, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमको बहुत सटीक उत्तर हर क्षण एक ही प्रकार से सहज स्वीकृति के आधार पर मिलता है। हाँ सर, नहीं बस क्वेश्चन ये हो जाता है कि जब हम जीवन के अब बहुत पैरामीटर पे जाते हैं तो क्वेश्चंस का लेवल बड़ा डिफिकल्ट होता है, और उसमें स्वीकृति और सहज स्वीकृति को जानना बड़ा कभी कभी लगता है कि बहुत ही अनप्रेडिक्ट, उसको डिसाइड करना कभी कभी डिफिकल्ट लगता है। तो इसलिए मतलब ये क्वेश्चन है, जैसे आप जो बताते हैं लगता है हाँ यहाँ तो सहज स्वीकृति है, वहां पर सहज स्वीकृति को वैलिडेट करना, वेरीफाई करना बहुत स्टेप से गुजरना पड़ता है ऐसा लगता है। उसको हम वैलिडेट कर सकते हैं, देखिए उसमें समय हम सबको लगता ही है, हम सबके अंदर बहुत सारी स्वीकृतियां बनी हुई है, और मुद्दा इतना ही है कि स्वीकृतियां तो बनी हुई है यानी मान्यताएं बनी हुई है, माना हुआ हमने, जानने में जांचने में समय लग रहा है। जी, मैं जुड़ा हुआ हूँ और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है कि अपने जीवन में हम जो सुख वर जी पाते हैं, तो पास्ट हमारा बड़ा कभी कभी हर किसी के जीवन में ऐसा दुख आता है, और हम जब जी जुड़ पाते हैं और चीजों को एक्सप्लोर कर पाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। बढ़िया भैया, बढ़िया। यहाँ राजुल भैया एक उदाहरण रख रहे हैं कि जैसे सम्मान की अगर हम बात करें तो कई बार हम कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, तो हमारी एक स्वीकृति बन जाती है कि बड़ों का सम्मान करें, बड़े यदि आपके सहज स्वीकृति को जांचते हैं तो दिखता है कि हर एक का सम्मान करें, बड़े का भी करें, छोटे का भी करें, है ना? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल जी। मैं इसको और एक्सप्लोर करूंगा। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया भैया। नमस्ते भैया, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, मैं एक्चुअली स्वीकृति और सहज स्वीकृति ये दो चीजों के लिए तो मैं भी मतलब जुड़ती हूँ, सोचती हूँ, मेरे लिए सब कुछ एक्सेप्टेबल है एज ऑन टुडे, और उसके वो मैं अभी अपने आप में ये करती रहती हूँ। एक मतलब मुझे एक मैं ये सोचती हूँ कि मैं अगर स्टूडेंट के जब अस्वीकार को जब फेस करूँगी कि वो जब कुछ क्वेश्चंस रेज करेंगे तब शायद मैं ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ को समझ पाऊँगी। आज मैं एक चीज़ को यहाँ रिफ्लेक्ट करना चाहती हूँ कि मुझे अभी तक आज सुबह तक मैं सोचती थी कि अगर मैं हारमोनी में जीना चाहती हूँ तो मुझे मुझे त्याग करना पड़ता है। जैसे अगर मैं साइकिल से इंस्टीट्यूट जाना चाहूँगी तो मैं अपना टाइम
सैक्रिफाइस कर रही हूँ, अपने समय का त्याग कर रही हूँ, लेकिन आज सर आपके डेलिब्रेशन से मुझे एक बात क्लियर हुई कि मुझे देखना चाहिए कि मुझे सुख जो है या खुशी जो है वो अगर मिल रही है, अगर मैं उस एक्ट से खुश हो रही हूँ एक लार्जर ऑर्डर का पार्ट बनके, तो ये सैक्रिफाइस वाला इशू वहाँ फिर निग्लिजिबल हो जाता है, उसकी कोई अहमियत नहीं रहती कि मुझे मैं एक लार्जर ऑर्डर का पार्ट बन रही हूँ, मैं अपने बिहेवियर को चेंज करके। तो ये चीज़ मुझे आज अभी क्लियर हुई और उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपका सेशन मेरे लिए इस हिसाब से बहुत वैल्यूएबल है आज का। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा दीदी। इनफैक्ट इसमें बताएं कि सैक्रिफाइस की फीलिंग कम हो जाती है या है ना घट जाती है, ये भी मुद्दा नहीं है। इनफैक्ट अगर अपने को दिख रहा है कि दूरी कम है कॉलेज से घर की और साइकिल से जा सकते हैं, तो उसमें हम कई प्रकार से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक तो स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हम कॉलेज जाते हैं कुर्सी पे बैठे रहते हैं 6 घंटे, तो हमारा स्वास्थ्य पे तो असर उसका बुरा ही पड़ता है। तो अगर हम साइकिल चला के जा रहे हैं तो एक तो स्वास्थ्य के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रकृति के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमने प्रदूषण कम किया। अगर हम कोई प्रदूषण करते हुए वहां तक पहुंचते तो प्रकृति में हम थोड़ा नुकसान तो करते ही, वो भी हमने कम किया। नहीं, दूसरा आपका जीना है वो बच्चों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहा है, तो जो आप कर रहे हैं उससे बच्चों को प्रेरणा मिल रही है। ये भी एक विधि है कॉलेज आने की, हम साइकिल से आ सकते हैं। तो आप कई प्रकार से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। और अभी भी हम देखें तो जाने में हमको कुछ समय तो लगेगा ही, तो अभी हम सिर्फ उसको समय को जोड़ते हैं कि जो आने जाने में समय लग रहा है, साइकिल में एक प्रकार से लग रहा है, दूसरे साधन से दूसरी प्रकार से लग रहा है। पर यदि हम ओवरऑल देखें कि अगर पेट खराब हो गया, बीमार पड़ गए, तो एक उम्र के बाद शरीर हमारा कमजोर पड़ जाता है और फिर वो सारा समय व्यर्थ जा रहा है, जिसको हमने अभी काउंट नहीं किया है कि नहीं। तो अगर हम पूरे होलिस्टिक सेंस में देखें तो हम समय बचा रहे हैं। बहुत सही है। और एक चीज है कि अभी हम आरे अंदर चाहना तो अलग है, लेकिन हम बाकी बाकी लोगों की तरह अपने आप को अपने आप का बिहेवियर भी ऐसा ही रख रहे हैं कि सारे लोग अपने व्हीकल से जाते हैं तो मैं भी व्हीकल से जा रही हूँ, जबकि मेरी बेसिकली चाहना ऐसी है कि मैं ना जाऊँ, मैं साइकिल से जाऊँ। तो मैं अपने अंदर एक अपोजिशन को लेके मेरा रोज का जो जीना है वो कर रही हूँ, और बजाय उसके मैं बाकियों की परवाह ना करते हुए खुद का एक अपना डिसीजन ले लूं कि हाँ मेरी इच्छा ऐसे है और मैं ये मेरे लिए करेक्ट लगता है, तो वो अपोजिशन भी कम हो जाता है अपने अंदर, क्लैरिटी ज्यादा आ जाती है, एक्सेप्टेंस ज्यादा। जी। और यदि आप इस कोर्स को पढ़ा रही है अपने कॉलेज में, तो जब आप क्लास में खड़े होकर बच्चों के सामने बात कर रही है, हाँ, तो बच्चे उस पूरे दृश्य को याद रखते हैं, है ना, कि देखो मैम जो है सुविधा सम्मान पाने के लिए नहीं काम कर रही, परंतु जो सही साधन है उसका सदुपयोग कर रही है। तो उस उसका जो कंटेंट आप डिलीवर करेंगे उसमें भी वस्तु ज्यादा ठीक से पहुंचेगी। जो भी साथी आ रहे हैं उनके साथ में बैठ के बात कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि अन्य साधन से जाना गलत ही है ना, परंतु यदि दिखता है कि उस परिस्थिति में ये ऑप्शन अवेलेबल है और ये कारगर है तो उसको बिल्कुल पूरा कर ले, बहुत अच्छी बात है। बहुत कुछ सीखने को मिला, UHV 3 में भी 2-3 दिन में भी बहुत सारे चेंजेस हैं, पर कहीं कहीं आके कंट्राडिक्शन बहुत ज्यादा तेज हो जाता जी, उससे बहुत एक एक माइंड में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, एक वो जो मन शांत है वो नहीं हो पाता जी, इतना ज्यादा कंट्राडिक्शन, इतना ज्यादा कि अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पाता आदमी। बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि या फिर हम मैम मैनिपुलेट नहीं कर पा रही अदर्स के साथ, क्या बात है, ये रीजन नहीं समझ आ रहा। देखिए कॉन्ट्राडिक्शन का रीजन यही है कि समझा नहीं है, और आप पाएंगे कि हमारी इच्छाओं में अंतर विरोध होता है, हमारी दो इच्छाएं ऐसी बनी हुई जो आपस में विरोधी है। जी जी, है ना, हम अपनी इच्छाओं के ही परतंत्र होते हैं, अपनी इच्छाओं से ही दुखी रहते हैं, तो अपनी इच्छाओं का मूल्यांकन हो जाए, इच्छाएं समझ के आधार पर निश्चित हो जाए, यही काम कर रहे हैं। राइट सर, इच्छाएं ज्यादा ज्यादा हावी हो रही है इच्छाएं, है ना, तो हमने ही अपना ही वो इच्छाएं
ठीक, मजे की बात है कि हम ही खुद इच्छा बनाते हैं और खुद अपनी ही इच्छा से हम दुखी होते रहते हैं। हाँ, वही भाव हमें परेशान करने लग रहा है। जी जी, तो इस पे हम लोग काम करेंगे, बारीकी से काम करेंगे। UHV3 में अपने भाव पे हम लोग बारीकी से काम करने वाले। ठीक है सर, थैंक यू सर। मेरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर तो मुझे अभी जो प्रीवियस दीदी ने पूछा है उसी में मिल गया। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि सेल्फ में हारमोनी में कैसे, मतलब कैसे रहे, हमको कैसे पता चलेगा कि हम हारमोनी में हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो ये जो सहज स्वीकृति वाला भाव है, ये कांस्टेंट हमारे अंदर बना रहे, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो आपने उसका आंसर दे ही दिया कि हमको अपनी इच्छाओं को चेक करना है, भाव को चेक करना है, और हारमोनी के लिए भी भाव को चेक करना है। पर मैं थोड़ा सा और, हो सकता है मैं, तो एसेंशियली प्रश्न है क्या वो बताइए कि स्वयं में हारमोनी, मैं स्वयं में हारमोनी में हूँ, ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैं सुखी हूँ, कंफर्टेबल हूँ, है ना, सहज है मेरी स्थिति, आराम में, नहीं तो परेशान है, दुखी है, असहज है, व्याकुल है। तो जब मैं हारमोनी में होता हूँ तो सहज होता हूँ, सुखी होता हूँ। अगर नहीं होता हूँ तो मैं फिर असहज होता हूँ, दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ, व्याकुल होता हूँ। ये तो हम अपने आप में देख ही सकते हैं। माने वो जो सुख है, जो जो मैं, जो सुख है वो सुविधाओं से मिलने वाला सुख है कि मेरे अंदर ही जो एक स्वीकृति बनी हुई है वो वाला सुख है, उसको फाइंड आउट करने में थोड़ा सा लगता है कि ये जो सुख मुझे अभी मिल रहा है, ये एक्चुअल सहज स्वीकृति वाला सुख है कि वही, तो मैं प्रभाव होके, हाँ नहीं नहीं हारमोनी में, आपने पहले ना कि हारमोनी में हो कैसे पता लगेगा, तो आप हारमोनी में हैं, है ना, तो एक तरह की बात है। सुविधाओं का तो कोई, वो तो एक प्रभाव ही काम करेगा जो टेम्पररी हो। तो अगर मैं हारमोनी में हूँ, है ना, तो हमें पता लगता है कि हाँ, मेरे थॉट्स में हारमोनी है, मेरे डिजायर्स में हारमोनी है, मेरे एक्सपेक्टेशन में हारमोनी है, मुझे दिखाई देता है। और ये भी दिखता है कि इसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। बट यदि कोई प्रभाव है बाहर का, तो हम उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते। हमने कोई चीज खाई और हमको बड़ी अच्छी लगी टेस्ट उसकी, बट हमको पहले भी पता था उसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, ना मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि पेट तो भरी जाएगा थोड़ी देर बाद, कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, ऐसा कोई प्रभाव हमारे ऊपर बना। तो सामयिक रूप से मैं थोड़ा आराम पाया, कोई विचार चल रहा था, परेशान कर रहा था, म्यूजिक सुन के आराम पाया। बट अपने को पता है कि म्यूजिक फिर हमको विचार में विलीन करेगा, कंटिन्यूटी नहीं होती कि नहीं। तो ये हार्मोनी नहीं है, ये तो टेम्पररीली हम डिसहार्मोनी से अपने आप को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम चाहते हार्मोनी है, बट हार्मोनी यदि हम ना इंश्योर कर पाए तो कम से कम डिसहार्मोनी से तो निकले बाहर, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बढ़िया दीदी जी, नमस्कार जी, नमस्ते। ये जो अभी स्वीकृति और सहज स्वीकृति की बात हो रही थी, तो मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग स्वीकृति को सहज स्वीकृति के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। स्वीकृति का अर्थ कुछ लोगों के लिए होता है अडैप्टेबिलिटी, कि जो भी हो रहा है उसके साथ हम अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग उसको कॉम्प्रोमाइज मानते हैं कि जो भी होता है हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले। कुछ लोग इसको भाग्यवादिता समझ लेते हैं कि जो भी होता है हर हालत में सुखी रहो और उसको चेंज करने की कोशिश ना करो। जैसे कहा जाता है कि What cannot be cured must be endured, and what cannot be endured must be cured. तो ये सब स्वीकृति ही है, सहज स्वीकृति नहीं है। सहज स्वीकृति जब हम कहते हैं तो हमको ये पूछना चाहिए अपने आप से कि do I want to continue in this situation forever? क्या मैं इसमें हमेशा बने रहना चाहता हूँ या मैं इसको बदलना चाहता हूँ? तो फिर वो उसे सहज स्वीकृति और स्वीकृति का जो फर्क है वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि स्वीकृति जो होता है उसका जो आमतौर पे जो मतलब लिया जाता है वो अडॉप्टेबिलिटी या कॉम्प्रोमाइज या भाग्यवादिता हो सकता है कि हर हालत में सुखी रहो। लेकिन जो यहाँ पर सहज स्वीकृति का अर्थ है वो ये है कि हम उसमें बना रहना चाहते हैं या उसमें से निकलना चाहते हैं। ये हम नेचुरल एक्सेप्टेंस की टेस्ट पर टेस्ट करें तो हमें वो पता चल जाएगा कि स्वीकृति अलग है, सहज स्वीकृति अलग है। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया भैया। तो जो सहज स्वीकृति है उसमें आपको दिखाई देगा उसमें कॉन्टिन्यूटी होती है, डेफिनेटनेस होता है, यूनिवर्सैलिटी होती है। तो वैसा हम बने रहना चाहते हैं और उसमें कोई अनिश्चितता नहीं होती, हम उसी प्रकार से बने रहना चाहते हैं। और हमको ये लगता है कि हर व्यक्ति भी ऐसा ही चाहता है। बढ़िया, जो आपने उदाहरण दिया काफी उपयोगी है। नमस्ते भैया जी। नमस्ते।
भैया मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम नेचुरल एक्सेप्टेंस की बात करते हैं सहज स्वीकृति की, तो कभी कभी क्या होता है कि ना ये मतलब हम हर एक चीज को मान लेते हैं कि हाँ ये चीज है, तो दूसरा इसको ग्रांटेड भी है, जैसे ग्रांटेड ले लेते कि अरे हाँ मैंने इसको कुछ कहा और इसने मान लिया, तो मतलब फिर इस सिचुएशन में कैसे मतलब काम कर सकते हैं कि मतलब सामने वाले को ये ना लगे कि हाँ कि मैंने कुछ कहा और ये सामने वाला बंदा तो मान ही लेगा चाहे मैं गलत कह रहा हूँ चाहे मैं सही कह रहा हूँ। हाँ, तो हम संवाद का आधार बनाएंगे कि हम हर बात को प्रस्ताव के रूप में लेंगे और जांचेंगे। जी भैया, मानना कार्यक्रम नहीं है, जांचना कार्यक्रम है। जी, तो हम खुद में भी जांचेंगे, अगले को जांचने में सहयोग भी करेंगे। कि ऐसे लोग जो आपकी हर बात से सहमत हो जाते हैं वो आपके विकास में उतने सहायक नहीं है जो आपको जांचने के लिए कहते हैं उस बात को। जी भैया जी, तो मतलब सामने वाले की बात को देख के फिर हमें ये करना है कि हाँ कि हमें इसे मतलब इसको एक्सेप्ट करना है या फिर हम इसको वेरीफाई करके हम देखें और उसको उस तरह से फिर जवाब दें। जी बिल्कुल। हाँ जी भैया, बढ़िया दीदी। यशवंत भैया समय तो हो चुका। जी भैया, हाँ जी भैया, धन्यवाद, नमस्ते।